अभी हाल ही में सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म सरकार उधम सिंह ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई थी। फिल्म में विकी कौशल की बेहतरीन एक्टिंग के लिए फैंस ने उनकी काफी तारीफ भी की थी, लेकिन अब जब इस फिल्म को ऑस्कर की रेस से बाहर कर दिया गया है तो ये खबर विकी कौशल और फिल्म की पूरी टीम के अलावा देश के लिए भी एक सपने के टूटने जैसा है। ऑस्कर के लिए बॉलीवुड से दो फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें विद्या बालन की शेरनी और विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह शामिल थी। लेकिन जब विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम सिंह को ऑस्कर की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, वहीं अगर फिल्म शेरनी की बात करें तो उसमें विद्या बालन ने लीड रोल प्ले किया था। फिल्म में विद्या बालन एक फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी। फिल्म का निर्देशन अमित बसूरकर ने किया था। सरदार उधम सिंह फिल्म को ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट से बाहर करने का फैसला फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने लिया है। उनका कहना है कि फिल्म में अंग्रेजों के प्रति घृणा और नफरत दिखाई गई है और ग्लोबलाइजेशन के समय में इतनी नफरत पालना अच्छी बात नहीं है। ये फिल्म क्रांतिकारी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। उनकी इस बायोपिक को काफी पसंद किया गया था। आपको बता दें कि अंग्रेजों से आजादी छीनने की लड़ाई में उधम सिंह ने अपनी आवाज बुलंद की थी। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया था। फिल्म को दर्शकों की ओर से जिस तरह का रिस्पांस मिला था, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म ऑस्कर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन फिल्म से जुड़े सभी लोगों का सपना उस समय टूट गया जब एकेडमी अवार्ड्स में एंट्री के लिए फिल्मों का चुनाव करने वाली समिति ने अपना तर्क देकर फिल्म को ऑस्कर की रेस से बाहर कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार समिति का ये मानना है कि फिल्म में ब्रिटिश के खिलाफ कुछ ज्यादा ही नफरत दिखाई गई है, इसलिए इसको ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नहीं भेजना चाहिए। वहीं फिल्म को ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट से बाहर किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और अपनी नाराजगी जाहिर कर कई ट्विटर यूजर्स ने इस फैसले पर अपना विरोध जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।